Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. We are here at the Kar Sevakpuram workshop that is supervised by the Vishwa Hindu Parishad, where the construction of the Ram Temple has been on for the past so many years, since 1990. After the verdict that the Supreme Court gave, saying that on the disputed site of Ayodhya, a Ram Temple will now be coming up, the workers and volunteers here are ecstatic. In fact, we spoke to one of the supervisors who have been looking into and supervising the construction of the Ram Temple since 1990, who told us that they have almost completed 75% of the work of the construction. The first floor, in fact, of the temple is ready, and they are now soon going to start the work for the second phase. What is also very interesting is the fact that the designer and the person who is in charge and who is supervising the entire construction of this Ram Temple is the one who has designed the Akshardham Temple. He's one of the main designers and is also the grandson of the person who had designed the Somnath temple. थोड़ा हमें बताइए टेंपल जो राम अब बनेगा वो किस तरह से होगा, क्या उसमें चीज़ें लगाई जाएंगी और क्या प्लान है? देखिए, ये हमारे राम मंदिर का मॉडल है, ऐसा हमारा भव्य राम मंदिर बनेगा। अब ये देखिए, प्रथम तल है और ये पेटी होंगी हमारी पत्थर की, फिर ये 16 फीट का पिलर होगा, ये सिंह द्वार, नित मंडप, रंग मंडप, वहाँ रामलला जी विराजमान हो गर्भगृह में, ये दो मंजिला होगा। नीचे रामलला जी बाल रूप में विराजमान होंगे, जो आज वहाँ पर विराजमान हैं। ऊपर एक सुंदर भव्य राम दरबार होगा। इस प्रकार से हमारे ये गुलाबी पत्थर सैंडस्टोन से बना हुआ मंदिर होगा। सनमार्वर का चौखट होगा, जहाँ राम जी विराजमान होंगे वहाँ सनमार्वर से बनाया जाएगा। कि और राम जी का पूरा वनवास से लेके वापस जब अयोध्या उस समय थी, उस तरह वो भी एक दृश्य देखने को मिला। देखिए, इस मंदिर के सिवा वहाँ पे सीता रसोइयाँ, गौशाला, यज्ञशाला, वेद पाठियों के लिए एक वेद स्कूल बनेगा और एक बड़ा सा धर्मशाला बनेगा। उसके बाद एक राम कथा कुंज बनेगा, जो राम कथा कुंज एक बहुत भव्य होगा। राम जी जब से जन्म लिया अयोध्या से लेकर जनकपुर फुलवारी वनवास में, जो नदियाँ होंगी, हिरण होंगे, पंछियाँ होंगी, उन सबको एक बहुत सुंदर और बहुत दिव्य और बहुत बनाया जाएगा राम मंदिर का। आप थोड़ा हमें दिखा सकते हैं कि किस तरह से आपने इतने सालों से, आपने बताया 20 साल से आप हमारे आप काम करते आए हैं यहाँ पे, और कितने वर्कर्स यहाँ पे लगे थे और किस तरह से नकाशी की गई इसमें? शुरू में हमारी अयोध्या कार्यशाला चल रही थी 90 से, उसके बाद में हमारे राजस्थान में 3 कार्यशालाएँ चल रही थी, यहाँ 60-70 से लेकर 100 कारीगर थे, वहाँ भी 50 एक कार्यशाला में, दूसरे कार्यशाला में 70, तीसरे में 100, ऐसे काफ़ी दिनों से कार्य चला। धीरे धीरे हमारा काम होता गया, यहाँ हम बने हुए सारे पत्थर को रखते थे, यहाँ जगह कम पड़ने लगी, हमारी तैयारियाँ भी एक मंजिल से ऊपर हो गई तो थोड़ा थोड़ा कम हो गया है। अभी हमारे ऐसे 10 की संख्या, 12 की संख्या वर्कर हैं, जो इनको साफ़ सफाई, देख रेख और सब करते रहते हैं। नक्काशी के बारे में थोड़ा आप हमें बताइए कि किस तरह से और किसने ये डिज़ाइन अप्रूव किया, किस तरह से शुरू? एक सैंपल सीधा पत्थर आता है, जैसे हमारे घर में लकड़ियाँ होती हैं, उसको आरा मशीन जैसे चीरती वैसे चीर के उस नाप का तैयार करती है। उसके बाद ये छीनी हथौड़ी से इसको ऐसे ऐसे करते हैं, फिर पतली पतली छीनियों से इसको बड़े हाथ से, बड़े प्रेम से, धीरे धीरे इन नक्काशियों को निकालते हैं। इस तरीके से अब ये पत्थर है, एक कारीगर को दिया जाएगा तो ये 2 महीने में इसको तैयार करेगा। बड़ा पत्थर है 3 महीने, 1 साल लगेगा, और छोटा पत्थर है 15 दिन में तैयार कर देगा। इस प्रकार से ये सारे चीज़ें यहाँ पर तैयार की जा रही है। ये आइडिया ये किसके पास था और ये किसी टेम्पल, कोई जो पुराना बना हुआ है उसके बेसिस पे आपको लगा कि ऐसा बनना चाहिए? नहीं, देखिए, ये विश्विंदु परिसर राम जन्मभूमि न्यास, ये जब मंदिर बनवाने का उनका सारा चीज़ हुआ तो गुजरात के सीवी सोमपुरा के पास गए कि उन्होंने, उनके बाबा ने ये सोमनाथ मंदिर बनवाया था, वो भी बड़े 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 मंदिरों बनवाने प्रशस्त थे, तो उन्होंने एक मॉडल दिया जो अभी मॉडल आपको दिखाए हैं, उन्होंने दिया ऐसा मंदिर आपका होगा, ऐसा स्वीकारता। ये कुंभ मेले में रखा गया और सारे हिंदू और जितने भी धर्माचार्य थे और शंकराचार्य थे, उन्होंने स्वीकार किया कि ऐसा ही भव्य मंदिर होना चाहिए। तो इसी हिसाब से फिर उन्होंने सिवी सुमपुरा कहा, हाँ ऐसा मंदिर हमको चाहिए, उस हिसाब से उन्होंने नक्शा बनाया, उसी रूप से पत्थर आ रहे हैं और उसी प्रकार से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसके फंड के बारे में थोड़ा बता पाएंगे, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा काम, बहुत रॉ मटेरियल, लेबर, तो किस तरह से, मतलब एक, देखिए, ये न्यास अध्यक्ष महानिध गोपाल दास जी इसका विवरण दे पाएंगे, इसलिए जनता क्या देती, कैसे वो न्यास अध्यक्ष हैं, इसके अलग अलग है, ये आपको वहीं से मिल पाएगा जी।
शुक्रिया। एक और चीज बस आप मुझे बता दीजिए कि ये जैसे आपने बोला कि इतने टाइम से ये काम चल रहा है, तो बीच में अखिलेश सरकार ने ये बंद कर दिया था, पर बीजेपी सरकार आने के बाद दोबारा ये कार्य शुरू। ऐसा 90 से हमारा कार्यशाला चालू हुई, उसमें कांग्रेस की सरकार, मुलायम सिंह की सरकार, मायावती की सरकार, सभी की सरकार थी। कभी किसी ने किसी प्रकार का रोक नहीं लगाया। 17 से पहले उन्होंने, अखिलेश ने एक फार्म मिलता 6 नंबर फार्म जिससे बिल्टी बनती है, जो राजस्थान सरकार और उत्तर प्रदेश, राजस्थान में भी कई सरकारें थी, कांग्रेस की सरकार थी, और किसी ने कभी रोक नहीं लगाया। उन्होंने वो फार्म देने से मना कर दिया कि ये फार्म हम नहीं देंगे पत्थर। उसके बाद योगी सरकार आ गई, फिर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अभी कितना काम हो चुका है और कितना रह गया है? 70% काम हो चुका है, और जो हमारा 30% काम बाकी है दूसरे मंजिल का, ये जिस दिन से लगना प्रारंभ हो जाएगा, कारीगर लग जाएंगे और बनाना शुरू कर देंगे, तो दूसरे मंजिल का भी काम पूरा हो जाएगा। ये अगर मान लीजिए सरकार ने, क्योंकि अब ट्रस्ट बनाएंगे, तो अब इसमें आप लोग कैसे बोलेंगे कि हमारा ये जो हम इतने टाइम से काम यूज ये चल रहा है उसको आप इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि वो किसी और को दें, क्योंकि ट्रस्ट है। ये हमारा विषय नहीं, मैं एक सामान्य कार्य करता हूँ, मैं यहाँ पे कार्य करता हूँ, बाकी लोग तय करेंगे। पर जो हिंदू जनमानस का ये मॉडल रखा हुआ है, ये पत्थर रखे इन्हीं अनुरूप बनेगा। बाकी हमारे जो हैं न्यास के अध्यक्ष जी हैं और हमारे विश्व परिषद पदाधिकारीगण हैं, सीबी सोमपुरा, अन्नु भाई सोमपुरा सुपरवाइजर, ये लोग अपना अपने हिसाब से करेंगे जैसा जिसको निर्देश होगा। शुक्रिया सर, शुक्रिया। दो देयर हैज बीन ओवर 200 वर्कर्स वॉलंटियर्स मोर देन 100 डिजाइनर्स वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर सो लॉन्ग, द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स इफ ट्रस्ट दैट द गवर्नमेंट विल अपॉइंट विल टेक दीज बोल्डर्स फ्रॉम देयर एंड इंक्लूड देम इन द फाइनल स्ट्रक्चर दैट कम्स आउट ऑफ द राम टेम्पल। द वर्कर्स हियर हाउएवर आर होपिंग दैट सिंस दे हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर सो लॉन्ग this will be taken into consideration and the trust will definitely approach them and the work that they have been doing for so long will be used in the final construction of the temple. This is Ananya Bhardwaj with Nikhil reporting for The Print from Ayodhya.